शीशगंज गुरुद्वारे के पास में ये फुटपाथ है, बिल्कुल पास में ही शीशगंज गुरुद्वारा है, और फुटपाथ पर ही एक विशिष्ट व्यक्ति है, और वो व्यक्ति इस किस लिए विशिष्ट है आपको उनकी कहानी सुनाते हैं, उन्हीं के मुँह से सुनना आप। हर व्यक्ति विशिष्ट है, ज़रा सुनिए क्या है कहानी। आजकल आपको लोग खोज रहे हैं, यहाँ कब से रह रही हैं, क्या है, क्या कहानी है, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं आपसे। ऐसे तो मैं पुराना जानती हूँ जगह को, लेकिन अभी कुछ सालों से यहीं पर हूँ। पहले वो राम लड्डूनिया टेबल पे थी, फिर यहाँ, और मैंने डेजर गुरुद्वारे में भी सेवा की है, हाथ धोने के पीछे मतलब से, और अब यहीं बैठती हूँ मैं। यहीं बैठती हूँ, यहाँ पहले वहाँ बैठती थी, जहाँ वो मोतिया वो वहाँ उसने पैर गया। यहाँ कैसे आई आप? दुकान बंद होने का। यहाँ कैसे आई आप? कौन? यहाँ पर आप कैसे आई? मैं कैसे आई? मैं चांदनी चौकी जानती हूँ और कोई जगह नहीं जानती हूँ, कोई जगह नहीं, रास्ता भूल जाती हूँ। अच्छा, शुरू से आप चांदनी चौक में ही रही हैं? चांदनी चौक यहाँ से लाल किले तक जानती हूँ। आपका ओरिजिनल घर यही? ऐसे तो होटल जानती हूँ जहाँ जाती, लेकिन रास्ता भूल जाऊँगी, यहाँ का भी गलियों का रास्ता नहीं पता। ओरिजिनल घर कहाँ है आपका? अब ओरिजिनल घर अब है नहीं। कहाँ था? चांदनी चौक में। कहाँ? नई सड़क जोगीवाड़ा। नई सड़क जोगीवाड़ा। क्या था, यहाँ कैसे आई, थोड़ा कहानी जानना चाहते हैं, क्या हो गया ऐसा? घर बन गया सिविल लाइन में, मतलब मेरे आने के बाद पैसा बरस गया। अच्छा। पंडितों का बताया हुआ था, मतलब आपके निकलने के बाद वहाँ पैसा बरसा? मेरे शादी होते ही। अच्छा। पंडितों का बताया हुआ था। क्या बताया था पंडितों ने? ये आप इसके मेरे पिताजी को इसकी शादी मत कीजिएगा, पूरे जिंदगी में कोई, अब पता नहीं, जो कोई भी चीज़ सच देखो तो मान लेना, इसके भाग में सुख नहीं है, लेकिन इसके पाँव में लक्ष्मी है, और जहाँ बैठेगी निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। ये बात भी मैंने कई जगह देखी, बताती नहीं हूँ, लेकिन तोड़ फोड़ चालू हो जाएगी, लेकिन इसके, लेकिन इसे जो मिलेगा दूसरे से मिलेगा। यहाँ क्यों आई हैं आप? पर वो अच्छा खासा घर छोड़ के क्यों आई हैं? मैंने थोड़ी छोड़ा, हमारी सिविल लाइन में कोठी बन गई थी, तो मेरे जो बच्चे थे खेलने गए थे, तो हमारे घूंघट है, हमारे मारवाड़ी है ना, घूंघट बहुत होता है, तो हमने छत से झाँक रहे थे, ऊपर छत पे हमारा घर था, मेरा कमरा रूम सेपरेट, नीचे बंगला था, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट था, तो मैं सलून कॉर्नर पीछे होते जैसे कोठी, तो मैं यूँ देख रही थी, तो उसकी बीवी है सुजाता नाम की, उसने मुझे देखा तो यूँ बुलाया, तो हम तो घर से निकल नहीं सकते, दो चौकीदार थे, 3700 गज में कोठी। किसकी बीवी थी वो? थी किसी मजिस्ट्रेट की। अच्छा, हाँ। तो सीबीआई के पीछे पता था लोगों को कि इंडिया चांदी का, हमारा व्यापार होता था न्यूयॉर्क से, भारत का चांदी आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। अच्छा, ताजे चुटकी नंबर वाले को हमें क्या पता इन चीज़ों का, बाद में सीबीआई वालों ने बताया मेरे को कि ये इंडिया का सबसे बड़ा वो है, 24 स्मगलर बताए हाजी मसांग, हमको क्या पता, मेरे पिताजी शादी थोड़ी करते, इनके दो शोरूम भी थे कपड़े के, यहाँ रूप लक्ष्मी और बॉम्बे नहीं थे मफतलाल ग्रुप, वो तो एजेंसी ले ली कोई चार, तो मैंने ये कह दिया था, शॉर्ट में बता रही हूँ, जन्माष्टमी का रोज था, मैं यही रंग की चारखाने की साड़ी बॉम्बे जाएंगी मैं, तो बोली क्या खाऊंगी, मैंने कहा आज हमारा व्रत है, हमारा पूरा घर जन्माष्टमी का व्रत कर रहा है, तो बोली आम दशहरी मैं आम खा लो, तो काट के, मैंने कहा नहीं, बोली उसमें वो तो फल है, तो मैंने बड़ाई कर दी, पहले की लड़कियां सीधी होती थी, मैंने कहा मेरे तो नीचे, अच्छा सीबीआई वाले बहुत पहले से पीछे थे। किसके पीछे थे सीबीआई वाले, आपके पिताजी के या किसी और के? इन लोगों के। इन लोगों के कौन थे वो, किनके पीछे थे वो? ये पता लग गया होगा। नहीं, किन लोग के पीछे थे वो? कि इनकी चांदी जाती थी, हम बॉम्बे में रहे 1.5 साल, मट्टी वाली गली में बिजनेस था हमारा चांदी का, वहाँ से। आपके किसका पति का था, आपके हस्बैंड का था? हस्बैंड का, मेरा थोड़ी। अच्छा, क्या नाम था उनका? अरे छोड़ो यार। अच्छा, ठीक है। बात है। मैं, मेरे दो ससुर थे, एक गुजराती था एक मारवाड़ी। अच्छा। ये जैनियों को गोद आए थे, ये दोनों पार्टनर थे, आप समझ गए? समझ गया। हाँ, तो इनके वंश नहीं चलता था, तो मैं, मेरा गुजराती और मारवाड़ी ब्राह्मण दोनों हो गए, मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, लेकिन सारस,
तो मैंने ये कह दिया कि मेरे बेसमेंट में, क्योंकि मैं कभी ऐसे चली गई नीचे उतर के, तो सील होती है चांदी की और ओखला में इनकी चांदी रिफाइंड भी होती थी, ये सीबी वाले ने बताया। तो उसका आदमी मैं वो सुन रहा था, उसने फ़ोन कर दिया। अच्छा, अब मैं घर में पिक्चर देख रही हूँ। अच्छा, तो इन्होंने मुझे धोखे से घर से निकाला। कैसे? मेरे कारण के लगा छापा, मुझसे ले लिए पारा पटानी पे साइन कागज। मैं सोची इनकम टैक्स के, मैं पिक्चर देख रही हूँ और ये अल्पना सिनेमा है, वहाँ जाके मेरे को दे दिए। सिविल लाइन की पुलिस ने भी हथियार डाल दिए, पारा पटाने साइन, मतलब बच्चों से कोई मतलब नहीं है, जनीन जाए किसी से, मेरे साइन है। और एक लड़की कोर्ट में पेश कर ली कि मैं इसकी बीवी हूँ, मतलब एक्स पार्टी डिवोर्स कर दिया, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, मतलब मेरे साथ धोखा हुआ। कोई पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। फिर वो रात को मेरे को बाथरूम आया, दो गनमैन खड़े रहे छत्तीसगढ़ में, तो अब वो मालिक तो डरेगा गन, बोले हम अंदर नहीं आए, तो बोले, मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, तो पुलिस ने कहा अभी तो ले लो उसको अंदर, तो बोले आप थाने ले जाओ, तो बोले हम जवान लड़की कहाँ थाने ले जाएँ, सुबह ले जाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, बहुत जगह भटकी हूँ मैं। इसमें हाजी मस्तान का नाम क्यों आया आपने बोला? फिर मैं वहाँ पर इनको कॉपी पूछा, एक्ट में अरेस्ट हो गए पैसे लाके जाने, उन्होंने बताया। मेरी सास ने मुझे जब निकाल दिया तो मैं वहाँ पर गई आरटीओ पे, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, तो मेरे को पता लगा ये कॉपी पूछा एक्ट में अरेस्ट है। तो उसने मेरे को कहा, बोले ये इंडिया का चौथा ऐसी हाजी मस्तान तो बहुत बड़ा स्मगलर है, उसके ग्रुप के लोग हैं। तो वहाँ महीने में दो मुलाकात होती है, तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगी, तो मेरे को मतलब एक पंद्रह दिन में, तब उन्होंने बताया सीबीआई वालों ने। आपका नाम क्या है? किसका? अनामिका। अनामिका पूरा नाम? अनामिका, वैसे सारे से दिया जैन होरा, गुजराती में होरा लिखते काठियावाड़ी है, और वैसे हम सारे से ब्राह्मण हैं। और उनका नाम क्या था जो जिनके पास चांदी पकड़ाई थी? चांदी पकड़ाई थी? हाँ, मतलब जिनकी चांदी थी, वो आपने बोला ना कि वो जेल में बंद हो गए थे, सीबीआई ने ले गई। तो वो बोल रहा थे ना, दो पार्टनर थे हमारे, एक मारवाड़ी ससुर थे और एक गुजराती, दोनों के पार्टनरशिप में काम था, ये उनको गोद था, मतलब इस लड़के को गोद ले रखा था। अच्छा, कौन से सन की बात है ये? अरे मैंने जवानी 24 साल के बाद मैं बहुत भटकी हूँ। अच्छा, मैं कहाँ कहाँ भटकी हूँ आपको क्या बताऊँ। बॉम्बे में बिजनेस है ना हमारा चांदी का, मिट्टी वाली गली, वो बिजनेस लेकिन कोफे पोसा की वजह से चला गया। मेरा नाम सिर्फ मेरे उनकी वजह से और मेरे माता पिता जेके ट्रैवल उनकी लड़की हूँ। अच्छा, माता पिता का नाम क्या है? माँ का तो नाम क्या करना है, मेरे नाना जी और गोस्वामी थे बनारस, डॉक्टर मोतिया बन गए। पिताजी गोद आए थे मेरी, दादी बाल भूजा थी। क्या नाम था उनका? डॉक्टर उमा शंकर दारस। अच्छा, बनारस। वो मर गए, वो तो कब के मर गए, मेरा शौक लगा उनको। अच्छा, कि ये क्या हुआ। माँ? फिर माँ साइन करके वो बाद में मर गई। क्या नाम था उनका? हम भटकते रहे हम साधु का जीवन बिताने के लिए। अच्छा, भाई वगैरह कोई नहीं? भाई बहन कोई नहीं? कोई नहीं, मैं अकेली। कोई मलाल नहीं किसी चीज़ का? मुझे कोई, ये सब तुम इंटरव्यू ले, मुझे कोई आसक्ति नहीं है ना, मुझे बच्चों में ना पैसे में, मुझे सिर्फ मुझे दुनिया में कुछ करना है बस। क्या करना है? मुझे सारी दुनिया के दुख को हरना है। कैसे हरेंगे? हम इसके लिए या तो भगवान से अपील कर सकते हैं या नेताओं से कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या पावर है, हमने अपने 400 मिलियन में तो ताकतवर ही मदद कर सकता है, तो ताकत किसके हाथ में है बताओ? किसके हाथ में? नेताओं के हाथ में है, और या भगवान के ऊपर? नहीं, आप तो नेताओं से मिलती जुलती रही हैं, आप बोल रही हैं तो। वो उस जमाने में एक दो नेता से मिली थी बस, वो पहचानेंगे थोड़ी, 500 साल भी थे। घर याद है? घर कैसा था आपका, कुछ याद है? वो तो फिर 9.5 करोड़ में की कोठी थी, बेच दी 18 लाख में मित्तल को, छापा पड़ गया था ना, मेरा सब छिन्न भिन्न हो गया। वो पुरानी कहानी खत्म हो चुकी है, डेड है, उसमें कोई दम नहीं है। अब मैं अकेली रणवीर बनी हूँ बस। वो टाइटल जो बुक कर रखा लिखा आपने ऑलमाइटी वाला इंग्लिश में? वही तो, रात भर में किताब लिखना बच्चों का खेल नहीं है,
सब कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब रामायण सब पे टिप्पणी है। भगवान ने कहा क्या कहा लोग समझे क्या, भगवान की चिड़िया का नाम है मैं बता रही हूँ। हालांकि अभी भी हम पूरा नहीं है पर हमें उसे ज्ञान दिया। आपने क्या आपके हिसाब से क्या किस चिड़िया का नाम है भगवान? अरे यार तूने ऐसी भाषा ऐसी बात पूछे नहीं समझेगा। आपने बोला ना कि भगवान आप जानते हैं क्या है? हाँ टिप्पणी क्या टिप्पणी भगवान कोई कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें क्या पता भगवान कौन है? सारे शास्त्र वेद नीति नीति शब्द कह के शांत हो गए भागवत करती थी, इसीलिए भगवान को स्वयंभू कारण स्वरूप और ओम कहा गया है, ओंकार कहा गया है। ये सब बातों में बड़ा गहरा रहस्य है। ये सब लिख रही थी आप उस किताब में जो किसी ने ले गया? हाँ। और भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है, ये सात भवन 14 लोग कैसे बन गए ये तो मेरी किताब में पढ़ियो। कैसे मिलेगी वो तो क्यों कोई ले गया ना, जब मैं लिख दूं तब। भगवान कहता मैंने दुनिया कब बनाई है, कौन कहता पागल मैंने दुनिया बनाई। पढ़ियो तूने भगवान से बस प्यार कर, उसके आंख के आंसू नहीं देखे तूने, मोहब्बत कर जैसे लैला ने मजनू से की, प्रेम कर राधा के जैसा, जैसे माँ बच्चे से करती है। वो सिर्फ प्यार का, उसे प्यार भी नहीं चाहिए पर प्यार करेगा प्यार से बस में आ जाए। घाट घाट का पानी पिया है मैंने तब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या ज्ञान प्राप्त? पर भगवान ने मेरे को हर जगह से बचा लिया। पतिव्रता बनी रही 24 साल तक, करवा चौथ करती रही, दिमाग में पति प्रेम क्योंकि सत्यवान सावित्री की कथाएं पढ़ी, अब सारे भूत उतर गए, अब प्रेम नहीं है, अब सिर्फ प्रेम उससे रह गया है दुनिया से सब। किसी ने आपकी सुध ली उसके बाद यहाँ कब कब से आई हुआ? मुझे भगवान ने हर जगह बचा लिया, जैसे किसी ने मदद करी रक्षा उसने करी। मैंने 3 को अपना भाई बनाया, 1 गणेश जी को बना रखा है गौरी शंकर मंदिर में पूरे जन्म की राय, और 1 चंद्रमा देवता को और 1 जमाने, 3 भाई मेरी रक्षा करेंगे पूरी, कोई मुझे छू नहीं पाएगा। अपने रिश्तेदार आपकी रक्षा नहीं कर पाए लेकिन कोई है ही नहीं। नहीं आप बोलो ना धोखा दिया आपको, आप बोले आपने तो मैं अकेली लड़की थी, कौन आता, कोई आगे पीछे नहीं। अरे यार ये गड़े मुर्दे मत उगाड़ो, ये मैं इसीलिए मीडिया में भाषण नहीं देती हूँ, हर इंसान की कहानी है, तुम्हारी भी हमारी भी, सबकी अपनी एक सबकी अपनी अपनी कहानी है, बात सही है। मेरा मकसद तो सही इतना है, आप हमारे को अपना प्रचार नहीं करना है, हमें अपनी इंक्वायरी नहीं करानी है। अगर ये कहते तो समझ लो मैं मेंटल हूँ, मुझे सिर्फ देश को आगे बढ़ाना है बस, यही मेरे ससुर है, यही मेरे माता पिता बच्चे है। यहाँ खाना वाना का कैसे खाते हैं? कहाँ खाती हूँ खाना? नहीं खाती कोई भी, जो जरूरत नमकीन लेके रख लेती चबाती हूँ, 2 चम्मच खाती हूँ, थम्स अप पी लेती। सोती भी यहीं पे आप? जब तक हूँ कमरा मिलता ही सर्दी आएगी फिर भागती हूँ मैं, तो ठंड के कारण बैठ गई हूँ, मैं तो बैठती नहीं हूँ एक जगह, गाउन भी लेने जाती थी, ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही, 2 साल से ठंड लगने लग गई, पहले तो ठंड में कपड़े भी नहीं पहनती थी, 1 जोड़ी कपड़ा, अब गर्मी खत्म होगी खून में। 2 सेकंड आप ले आए इनको तो ले जाओ। ये आपके लिए अभी हाथ में कुछ लेकर आए हैं, ये क्या लेके आए हैं? अच्छा अब आप एंड करो बात का, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये क्या लेके आए? ये पन्नी, पन्नी मतलब डिस्पोजल वेस्टेज, कुछ देने आए हैं, डस्टबिन है। अच्छा डस्टबिन है, दिस इज माई डस्टबिन, उसमें कचरा करके फिर रात को फिकवा देती हूँ, उसको भी पैसे दे देती हूँ। आप नहीं रखती पैसे? अरे मुझे क्या करना है पैसे का, अब नहीं समझ रहे इतना भाषण दे दिया, क्या करूँ मैं पैसे का? सब दे देती हैं, कब पैसा भी दे दूँ, ये बचपन से आदत है पैसा। अब तो बात दूसरी, मेरी माँ यही बता रही थी शुरू से दान आदत, भगवान का प्रसाद भी दान। आपको यहाँ रोज मान लो कि कुछ थोड़े बहुत तो लोग दे के जाते होंगे कुछ खर्चा तुरंत इस दान सेवा के बदले सेवा, आप अरबों भी दे दोगे गवर्नमेंट वो भी खर्चा आप दे के दिखा दो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। कौन बच्चे हैं आपके? सारी दुनिया मेरी बच्ची है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, मैं मेरे पास पैसा होगा मैं उसको भी रोटी दूंगी, हिंदुस्तान को ही नहीं दूंगी। हम भारतवासी कैसा भारत महान नहीं है, हमारा पड़ोसी रो रहा है बेशक वो गलत है,
उसको पहले उसको सुधारो और बच्चों को अच्छी स्कूल में डालो और गांव का विकास करो, वृद्धाश्रम बढ़िया बनाओ तो कोई आपको सड़क पे नजर नहीं आएगा। और आप ये रेडी पटरी नहीं हटा सकते हो, अगर आप ये दुकानें हटानी है तो इसे बढ़िया दुकान बना के दीजिए, रोजगार दो। एक बात कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि उनके वहाँ पर जहाँ जो आपकी कोठी थी वहाँ जाके देख के आए? अरे ये तो आपने पूछा, मुझे कोई माया कट गया, मुझे लगता है मैं इस भेज में नहीं हूँ, किसी का बंधन नहीं करता, मेरा बहुत जल्दी पता नहीं कैसे कट गया, मुझे मोहब्बत हुई है ऊपर वाले से, बस ये जंजाल पाल रखे हैं। बोल रहे थे आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं। अरे छोड़िए, तो इससे कुछ नहीं होता, मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है, ये तो भाषा कितनी पढ़ी है, कितने तक पढ़ाई है? की अंग्रेजी बहुत अच्छा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसे आदमी इम्प्रेस होता है, अंग्रेजी आती है, यहाँ की पढ़ाई पढ़ो, प्यार मोहब्बत। आपने कितने तक पढ़ाई करी वैसे? बीकॉम, इंटर पढ़ते पढ़े सारी, बट दी एंड है, इंटर पढ़ते पढ़ते किया। हाँ, फिर कॉलेज, क्योंकि मेरे लोगों ने कहा ना पढ़ रही थी। अभी कितनी उम्र है कुछ याद है आपको? 90 की उम्र है आपकी अभी? हाँ, अभी यहाँ 90। अरे खा बिना खाए कमजोर हो गई हूँ, झुर्रियाँ बढ़ गई, ऐसी गोरी सुंदर नहीं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, डिट्टो इंदिरा गांधी थी, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे, डरती थी बाहर निकलने में। ये यहाँ पे बैठी हैं, कई लोग इनके लिए अलग अलग सामान लाकर देते हैं, उनमें से ये भी एक हैं, इन्होंने अभी भी कुछ लेकर आए हैं, क्या लेकर आए थे आप ये? सर पॉलीथिन लेके आया था और एक अम्मा को गाउन लाया था, वो बड़ी हो रही थी, उसको कटवाना था गुप्ता टेलर से, तो अभी अम्मा कह रही अभी नहीं शाम को कटवाना। तो आप ये अक्सर आपसे बोलती हैं कि? जी मेरे से बताती हैं, अगर अभी छाले हो गए थे मुँह में तो मैं दवा लेके आया था अम्मा के लिए, फिर दूसरे दिन अम्मा ने कहा बीकासूल लेके आओ, अम्मा ने खुद बताया दवा का नाम, तो मैं बीकासूल लेके आया, फिर अब अम्मा को आराम है। आपको उनके बारे में कुछ पता है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बस देखता रहता हूँ अम्मा को, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है, अम्मा को यहाँ देखता रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ हल्दीराम के सामने। कुछ बताया इन्होंने आपको? नहीं, मेरे से कुछ नहीं बताया आज तक अम्मा ने, कुछ नहीं बताया। नहीं, ये कहती हूँ बेटा मेहनत करो और आगे बढ़ो, बस ये अम्मा कहती रहती हूँ। ज़्यादा पैसा बोल रही, बहुत बहुत अच्छे दिन देखे उन्होंने, बहुत अच्छी कोठी में। हाँ अम्मा, आगे अम्मा बताती हैं कि हमारी 9 गाड़ियाँ थी और 3 ड्राइवर थे, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कब किसको क्या हो जाए कुछ बता नहीं सकते, इसलिए अच्छा काम करो और आगे बढ़ो, ये अम्मा हमसे कहती है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा शंकर चौहान। ये बगल में अनामिका जी हैं, उन्हीं के पास में ये किताबों की दुकान, पेपर की दुकान वाले, क्या नाम है आपका? हरिनाथ पांडे। हरिनाथ पांडे यहाँ कब से आई हुई है यहाँ पे? अरे ये तो 5-7 साल से आई हैं, 10 साल से, तो पहले ठीक ठाक थे, बढ़िया कपड़ा पहनते, साफ सुथरा, धीरे धीरे वही जो अभी बोल रहा था ना लड़का, उसी ने उनको यहाँ शरण दे दिया, तो हमारे पास हो जहाँ पर अंदर धीरे धीरे वहाँ रही, यहाँ रही, फिर यहाँ रही, फिर यहाँ रही, तो यहीं आती जाती रहती थी। कुछ बताती हैं अपने बारे में क्या है? यही बताती थी, इनका घर कानपुर है इनके पिताजी का, और इनका ननिहाल बनारस में है, ब्राह्मण की लड़की हैं और जैनियों के यहाँ आई हैं, तो बहुत बहुत पैसे वाले हैं इनके यहाँ, जब चांदी चौक किसी पास गाड़ी नहीं थी तो इनके पास दो दो, क्या दिया आपने? दो, इनके पास दो दो गाड़ियाँ थी, तो बस ये अपने हिसाब से रहना चाहती थी, तो वो इनके घर वालों ने नहीं रहने दिया, इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया, ये यही बताते हैं, इसलिए फिर सारा तीर्थ व्रत कर आए हैं, कभी हरिद्वार कभी कहीं कहीं, बताती हैं बड़ा गहना होना था, एक बार जीबी रोड पे चली गई थी गुस्से कुमारी, तो बोले मैं बिरसा बन जाऊँगी, तो थी वो समझदार, तो लड़का मार बाहर कर दिया, फिर इनके घर वाले फिर समझाव जाग ले आए, फिर इसके बाद अब अपना घर, फिर वैसे बहुत ही अच्छी हैं, इनको 400-500 रुपये रोज मिल जाता है, तो सबको इधर कहाँ ये फेंक दो, ये फेंक दो, फेंको 10-20 उनको दे दी, 100 चाय वाले को, 50 इनको, इनको शाम को बारह, कई लोग ऐसे आते हैं जो डेली बढ़िया मिठाई उठाई और सामान लेके 200 रुपये रोज देख जाते हैं, एक आदमी 150 रुपये रोज देख जाते हैं, ऐसे कई लोग 50-50-100 दे, अपने पास एक पैसा नहीं रख, मेरे पास रख देंगे, इनको दे दें, इनको दे दो, क्या हिसाब बचा क्या नहीं बचा, मैंने कहा 50 बचा मेरे, अब सबको चाय पी लो, पिला दो, यही काम है, बांट देती हैं। हाँ, बांट,
किसी ने देखा नहीं कि भाई फुटपाथ पर रह रहे हैं कुछ दिन को दे दे किस कुछ किस कभी किसी ने मदद करने की शासन से कोई मदद क्या जी प्रशासन से कोई मदद नहीं कोई नहीं वो उनको जरूरत ही नहीं है। अच्छा जरूरत नहीं। अरे लोग बहुत देर आए चलो मैं आपको बढ़िया घर दूंगा नौकर चाकर साफ सफाई दूँ घर पे रहना रहना मैं यही नाली में रहूँगी तेरे से मतलब चल भाग यहाँ भगा दिया। कई लोग ऐसे आए इनके पास कि चलो हम आपको आश्रम दिलवा देते हैं वहाँ साफ सफाई है सब कुछ है ना 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 तेरे से क्या मतलब है मैं हम यहीं खुद से मैं यहीं रहूँगी। ये बोल रहे हैं आप कहीं जाती नहीं है कहीं लोग मदद हाँ। दिमाग इस्तेमाल करो बहुत जल्दी पढ़े लिखे बनो मिली थे मैं चाहे कहीं भी हो सेपरेट रहती हूँ मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती क्या मैं अपना ताला बंद करूँ चाहे नहाऊँ चाहे ना नहाऊँ ताकि मुझे बुक लिखनी है और भाषण देना है बस दो बुक लिखती हैं हाँ लिखनी है ना वो भी। अच्छा अभी लिखी नहीं है लिखे थे कोई ले गया सारे 25 बंदे और पेन मेरी बुक का नाम है देर इज सम ऑलमाइटी पावर देर इज सम ऑलमाइटी पावर। अच्छा और नीचे बट हूँ कौन है वो और उसी पे सारा भाषण उसी पे तो मेरा मीडिया ले गया और मैं भी वही हूँ। ये बोल रहे हैं आप जीबी रोड चली गई थी वो मैं गई थी वैसा बनने मुझे क्या पता था फिल्म देखी थी क्या हुआ फिर वहाँ पे वो भगा दिया हमको तुमने सीधी थी ना मैंने जो मीना कुमारी की फिल्म बचपन में देखी थी ना तो वहाँ तो देखा बड़ा करना वहाँ क्यों गई थी आप मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ तो मैंने मीना कुमारी को नाचते हुए देखा था पिक्चर में तो वहाँ गई तो असर देखे थी तो वहाँ पर ऐसे आजकल देखते हैं ऐसे लोगों को ले जा पर भगवान वहाँ तुलसी का पेड़ भी देखा अपने मन से कह दिया तो बोले गणपति सर ये कहाँ है मैंने सोचा अंदर कुछ होगा उसने बोला नाचना आता है गाना उसने भगा दिया फिर मैं उधर यहाँ से बोले यहाँ बोले कौन सी जगह सब जगह भटकी हूँ मैं कहाँ उधर कहाँ कहाँ भटकी आप किसी नेता के पास मिली मदद मांगने कोई नेता वगैरह मेरे को कॉरपोरेशन का चुनाव का टिकट दे रहे थे यहाँ पे कहाँ पे क्या नहीं चौक से तो मैंने सोचा मुझे नेता बन के क्या करना है। अच्छा कब की बात है ये जवानी की बात है। तो आपने बहुत अच्छी जिंदगी देखी है और आप ऐसी जिंदगी अभी क्यों रहना चाह रही हैं। मैं सिर्फ भगवान में जैन साध्वी बनी हूँ पट्टी बांधते नहीं है वो पोटेशियम साइनाइड भी ढूंढा था आत्महत्या के लिए फिर मेरी एक सहेली भिक्षा मांगने आती उसने दिमाग उधर कर दिया सारे काम किए मैंने। आप मतलब मरना भी चाहती थी हाँ फिर वो भूत उतर गया 6 महीने के बाद फिर मैं जैन साध्वी बन गई फिर रेत मिट्टी से यहाँ नहाती रही साफ से अब यहाँ रेत मिट्टी भी नहीं है यहाँ साफ करो हाथ पाँव काले हो जाते तो शरीर में कीटाणु हो जाए ना तो रेत मिट्टी से साफ हो जाते हैं ये बाल भी नहीं रहते हैं अब ऐसे रह रहे हैं अब एक इसलिए कमरा ढूंढ रहा है कमरा ढूंढ रहे हैं आप मतलब चाहे गवर्नमेंट करे सेपरेट हम ये नहीं कि वृद्धाश्रम में एक बार ले गए थे लॉकडाउन में वो सारे हमने 15 दिन तक खाना नहीं खाया हमारा यहाँ छोड़ गए सरदार की दुकान ही है 500 रुपये बोले हम नहीं रख सकते मेरे को सेपरेट बाथरूम चाहिए खुला पानी चाहिए अगर आपने मेरा नल छू दिया मैं नहीं छूँगा बैम की बीमारी है। अच्छा अगर आपने मुझे चाय ला के दे दी तो मैं नहीं पीऊँगा मेरे गिलास अलग हो फिर कैसे पीती हैं आप चाय भाई इतना तो एडजस्ट करिए तुम बनाओ थर्मस में लो और ऊपर से डालो तुम ला के दोगे तो हम नहीं लेंगे नहीं लेंगे। खाना फिर कैसे खाते हैं क्या खाना कहाँ से खाते हैं खाना खाते ही नहीं है अगर कभी नमकीन भुजिया पैकेट तो फाड़ के पन्नी में बांध के रख लेते हैं मैं 2 चम्मच खाई अब ये कल से कुछ नहीं खाते कैंपा मंगाई है आपने कहा कि ढक्कन खोलो उसे कहा कि नेता नेताओं के से आपका मिलती जुलती थी कौन कौन से नेता से मिले आप मैं किसी से नहीं सिर्फ मेरे को वो मोदी जानता है बस कैसे जानते हैं वो मैंने उसको कहा था एक दिन आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे कब कहा था बहुत पहले वो बन गया हमारे यहाँ राणा साहब लेके आए थे समाज में वो उस वक्त गुजरात के CM थे कोई वक्त की भाषा सच हो जाती है उनकी आदत है हाथ हिलाने की फिर बात है वो देखते रहते थे खड़े खड़े पता नहीं क्या देखते थे मेरे को और किसी से भी मिली हैं तो मैंने उनको खुश करने के लिए कहा था और किस किस से मिली हैं और मुरारजी देसाई विद्यावन साह हमारी शाहटोरी में उनका अच्छा उनके साथ मेरी 12 एल्बम की फिल्म बनी थी दिल्ली में चंद फोर्टर में आपकी फिल्म बनी मतलब पहले ब्लैक एंड वाइट होता था ना मूवी आप मूवी में काम करी हैं हाँ मूवी में भी काम करी आप पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट होता था फिल्म नहीं बनती थी अच्छा हाँ तो परवीन भाई आए थे बॉम्बे से
ये पैसे वाले लोग थे ना। बहुत गहरी समझ रख रही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के सभी तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, और आपने देखा कि इनके विचार किस तरह से हैं। लेकिन जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोग कभी कहीं और से कहीं और आ जाते हैं, यहाँ पर यही देखने को मिला। तो आपने देखा और सुना भी कि कहानी किस तरह से अपने अंदर समेटे हुए हैं ये विशिष्ट व्यक्ति। एक गाना था वक्त फिल्म का कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पैराज, और वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। इसलिए वक्त कुछ भी करा सकता है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या राजा क्या रंक, अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक। ये कहानी हमको ये बात याद दिलाती है। चलिए चलते हैं।